सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। डोकलाम विवाद के बीच चीन ने एक बार फिर सीधे सीधे मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सरकार भारत को जंग की ओर धकेल रही है। अखबार ने यहां तक कहा कि युद्ध होने की स्थिति में नतीजा जग जाहिर है। चीनी अखबार ने लिखा कि डोकलाम में भारतीय सेना पीछे नहीं हटी तो युद्ध तय है और जंग होने पर नतीजा जग जाहिर है। चीनी अखबार ने दम भरते हुए अपनी सेना को 50 साल में सबसे मजबूत बताया है। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार के संपादकीय में लिखा गया है कि मोदी सरकार अपने लोगों से झूठ बोल रही है कि 2017 वाला भारत 1962 से अलग है। पिछले 50 सालों में दोनों देशों की ताकतों में सबसे बड़ा अंतर है। अगर मोदी सरकार युद्ध करना चाहती है तो उसे कम से कम लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को युद्ध करने से पहले लोगों को सच्चाई बता देनी चाहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।